हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय गार्डन। आज का वीडियो है हमारा चीकू के ऊपर। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल चीकू का जो प्लांट मेरे टेरेस गार्डन पे लगा है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसकी डेली केयर के बारे में बात करेंगे। तो चलो लेते हैं आपकी परमिशन और स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्यूटीफुल वीडियो। तो आप देख सकते हो ये मेरा चीकू का पेड़ है जो एक कंटेनर में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, अच्छी ग्रोथ है इसकी। देख सकते हो आप, इसका स्टेम भी थोड़ा ज़्यादा तो मोटा नहीं बट थोड़ा सा मोटा हो चुका है। इसकी ग्रोथ काफ़ी बड़ी होनी चाहिए थी बट ऑलमोस्ट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस दो बार ये ऑलरेडी मतलब पूरा सूख कर फिर से जिंदा हो, मतलब फिर से रिकवर हुआ है, इसलिए इसकी ग्रोथ में काफ़ी कमी आई है, काफ़ी लेट ग्रोथ हुआ है इसका, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 इयर्स का पेड़ है। बट जैसा मैंने बोला था कि कुछ इशू से मैं जब मेरे होम टाउन चले गया तो ऑलमोस्ट बिना वाटर से ये सूख चुका था और अभी इसने फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी। आप देख सकते हो चीकू को कितना, मतलब चीकू के लिए ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली ये मुझे तो थोड़ा हार्डी प्लांट लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल तो दिखता ही है और काफ़ी हार्डी भी होता है। देख सकते हो आप, मैंने एक्चुअली इसके थोड़ी देर पहले चेक किया था कि कुछ हमें छोटे छोटे कैटरपिलर्स दिखाई दिए थे और मैं उसे ढूंढ रहा था और मैंने बहुत से लीव्स इसके कट कर दिया था। बाद में सडनली मुझे याद आया कि चलो मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ आपको बताने के लिए। आप देख सकते हो एक चीकू लगा हुआ है, इसके पहले बहुत से चीकू लगे हुए थे जो विदाउट वाटर गिर चुके हैं। अब ये बहुत दिन के बाद एक लगा है और देखेंगे, इसकी केयर करेंगे हम और इस बार इसको हम मतलब 100% कुछ होने नहीं देंगे और इसे पूरा तरह से केयर करेंगे। तो प्रॉब्लम, हम डेली हमारे चीकू को देखते रहना चाहिए कि मतलब प्लांट को देखते रहना चाहिए। आप देख सकते हो ये जो लीव्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे मतलब स्पॉट्स है और बहुत से लीव्स कुछ कतरे हुए लग रहे हैं, खाए हुए लग रहे हैं, वो सब एक कैटरपिलर ने किया है। मैंने जब चेक किया था मुझे 2-3 बहुत मतलब कैटरपिलर्स मिले और जिसको मैंने पत्ती सहित काट के फेंक दिया। मतलब ये हमारे हाथों, एक्चुअली मैं इसे डे लाइक मंथली टू टाइम्स नीम ऑयल स्प्रे करता हूँ और कभी 10 डेज के बीच में एक बार या वीक में एक बार इसको बटर मिल्क भी स्प्रे करता हूँ और इसकी डेली केयर मतलब इसकी टेक केयर करता हूँ। बट फिर भी हमें उस पर पूरा भरोसा नहीं करते हुए अपने हाथों से अपने प्लांट को देखते रहना चाहिए कि डेली में देखते रहे तो आपको दिख जाएगा कि कुछ लीव्स ख़राब हुए हैं या कुछ हुआ है। जब हम चेक करेंगे तो बेटर है कि हम उसे काट के फेंक दें कहीं दूर, क्योंकि अगर हम ओनली इस पर मतलब पेस्टिसाइड्स पे बिलीव करेंगे तो ये थोड़ा लेट हो जाएगा और हमारा प्लांट को कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से हम, जबकि हम हमेशा इसको मतलब पेस्टिसाइड नीम ऑयल स्प्रे करते हैं, फिर भी हमें हाथों से भी देख रहे हैं। आप देख सकते हो मैं ऐसे हर एक लीव्स काट दे रहा हूँ जिसको मुझे डाउट लग रहा है। मैंने ऑलरेडी बहुत से काट दिया था, अभी आपके लिए दिखाने के लिए मैं आपके सामने ये कट कर रहा हूँ। देख सकते हो ऊपर कुछ गंदगी जैसे दिखाई दे रहा है, वही होता है कुछ बूशी, कुछ ऐसा थोड़ा सा फोम सा बन जाता है, दो लीव्स एक दूसरे को चिपक जाते हैं और इसके अंदर एक छोटा सा गैप में वो कैटरपिलर रहती है। अब मुझे वो कैटरपिलर के बारे में उतना आइडिया नहीं है कि ये किस टाइप की है, ये कैटरपिलर को कैसा मतलब मारा जाए, क्योंकि मैं तो कुछ केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करता नहीं हूँ, तो ऑर्गेनिक वे से ही इसको ट्रीट करता हूँ। बट इसीलिए मुझे अपने थोड़ा हाथों से भी निकाल के फेंकना पड़ेगा। देख सकते हो हर एक ब्रांच पर,
हर एक ब्रांच पर बहुत से फूल लगे हुए हैं जो कुछ ही दिनों में फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली आप देख सकते हो, ये देखिए एक लीफ, ये एक दूसरे को चिपक चुका है, तो इस तरह से वो चिपक के रहता है। और इसके अंदर हमें कैटरपिलर देख सकते हो, आप आपके सामने ही है, क्या आप देख सक रहे हो, एक छोटी सी इल्ली जो कैटरपिलर जो है वो हमें मिली है। अभी हम इसका देखेंगे थोड़ा जूम कर कर के कैसा दिखती है। देखिए छुप जा रही है नीचे, कितनी छोटी है। ऐसे मैंने दो तीन निकाला हूँ आज और ये भी मुझे आज मिल गए। ये काफ़ी छुप के रहते हैं और हमें बहुत मुश्किल होता है इन्हें ढूंढना। वो दो पत्तों के बीच में अपना घर बना के छुप के रहते हैं, देख सकते हो। ऑलमोस्ट वो हाफ इंच की होगी और ये कुछ दिन में अगर हम इग्नोर कर देंगे तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक देगी, क्योंकि ये पूरे लीव और ये बहुत से एग्स देते हैं जिससे एक ही बार में बहुत सारे इनके बच्चे हो जाते हैं और पूरे तरह हमारे प्लांट पर अटैक हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपने प्लांट को पूरी तरह से देखते रहना चाहिए। तो इसे मैं फेंक देता हूँ थोड़ी दूर अपने घर के बाहर और सर्च करते हैं कुछ मिल जाए। तो इसी तरह दोस्तों निकालते रहना है, ये जितने लीव्स है इसको काट देना चाहिए। एक्चुअली काट के दूसरे का फेंकना है, बट एक हाथ में मेरा कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं इसे लाइक लीव्स काट रहा हूँ लीव्स इसके। तो दोस्तों ये था इसका नॉर्मल केयर, मतलब एक तो केयर हो गया जिसमें हम नीम ऑयल हर 15 डेज में एक बार स्प्रे कर दे, और हो सके तो एक 1 वीक में हम उसको बटर मिल्क जो होता है उसे वो स्प्रे कर दे। इस तरह से अगर हम इसके ऊपर कंटिन्यू स्प्रे करते रहेंगे तो बहुत से कीटाणु से बच जाएंगे, मतलब बहुत से बग्स से हम छुटकारा पाएंगे। बट स्टिल हमें एक मिनट, हमें और एक कुछ मिला है उसमें चेक करेंगे अगर इसमें है कि नहीं है। देखिए आप, मैं बोला था ना दोनों ऐसे चिपक के रहते हैं प्लांट और इसके अंदर वो अपना घर बनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर से ऑलरेडी वो बाहर निकल चुकी है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। हम ये भी फेंक देते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी केयर की, तो नीम ऑयल सबसे मस्ट है और हमारा बटर मिल्क और दूसरे, मैं तो ज़्यादा कुछ पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करता हूँ। बहुत से लोग जीवामृतम जीवामृतम और बहुत सा चवान की मेथड से बनाए हुए स्प्रे करते हैं, जो मैं नहीं करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है वो बनाने का सब कुछ। तो मैं बस ये दो करता हूँ और मोस्टली मंथली मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला देता हूँ, क्योंकि मेरे पास काऊ डंक नहीं है। वो मुझे कन्फ्यूजन है हमेशा, क्योंकि काऊ डंक में जो लाइक 6 मंथ ओल्ड चाहिए बोलते हैं मिनिमम कंपोस्ट हुए वाला, बट हमारे एरिया में जो मिलते हैं वो बहुत फ्रेश मिलते हैं, और मैं अगर उसे रख के 6 मंथ मेरे पास रखना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं खाली जो वर्मी कंपोस्ट उसी यूज़ करता हूँ, और टाइम टू टाइम मैं इसमें नीम के पाउडर भी मिला देता हूँ अपने सॉइल मिक्स में, उससे कि इसमें थोड़ा पेस्टिसाइड्स और दूसरा जो उसकी कमी जो पूरी हो जाए। जो भी आप देख सकते हो, ये है एक हाफ कटा हुआ ड्रम जो 100 लीटर का हो सकता है, और इसमें मैंने अपने प्लांट को लगाया हुआ है। ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, कुछ दिनों में बहुत होप करता हूँ कि बढ़ जाएगी, और डेली केयर करना पड़ेगा। और इस बार मैं मोस्टली इसे मरने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं कहीं अर्जेंटली बाहर जाना ही पड़े तो मैं किसी को बोलकर जाऊंगा कि इसे वाटरिंग कर दे। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी होता है, चीकू का प्लांट में दूसरे कोई भी डिसीज नहीं आते हैं। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो चीकू के प्लांट के ऊपर। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये प्लांट की खासियत है कि ईयर भर पूरा फ्रूटिंग देते रहता है। तो दोस्तों प्लीज़ लगाइए अपने गार्डन में भी चीकू का प्लांट और इसकी केयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।